हमारे साथ में जो इतना बड़ा काम हो रहे हैं ये बहुत अच्छा है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा भारतीय भाषाओं को किस तरीके से और आगे बढ़ाना है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो लगभग अंग्रेजी ही चलते हैं, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मैं उत्तराखंड में भी बोला है क्योंकि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से अलग हुए हैं, वहां भी तुरंत हिंदी चालू करना चाहिए। बाकी हाईकोर्ट्स में मैंने सारा जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी अनुरोध किया है कि अपने भाषाओं में बोलने का हम लोगों को अब आजादी देना शुरू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी आगे जाकर के ये कल्पना है लेकिन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी भारतीय भाषा में वहां भी कामकाज क्यों नहीं हो सकते हैं। आजकल इंस्टेंट ट्रांसलेशन का जमाना है, आप जो बोलते हैं साथ साथ ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, साथ साथ आप अभी तो वर्चुअल हियरिंग भी होते हैं और आप सब जानते हैं कोर्ट का ऑनलाइन वर्चुअल हियरिंग में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का तो लाइव स्ट्रीमिंग होता है, सुप्रीम कोर्ट का भी, तो जो बोलते हैं साथ साथ में ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहे हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन, स्वागत हृदय से करता हूं और पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से करता हूं। इस सभागार में उपस्थित ऑनरेबल जस्टिस श्री ताशीर रस्तन जी, ऑनरेबल जस्टिस श्री रजनीश ओसवाल जी, ऑनरेबल जस्टिस श्री विनोद चटर्जी कौल जी, ऑनरेबल जस्टिस श्री मोहनलाल जी, ऑनरेबल जस्टिस श्री राहुल भारती जी, ऑनरेबल जस्टिस श्री राजेश शेखरी जी, आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।